अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मैं अनीला, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मसाला किचन विद अनीला अहमद। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चिकन क्रिस्पी बॉल्स, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं, स्पेशली बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आधा किलो आलू लेने हैं। मैंने इनको बॉईल करके अच्छी तरह से मैश करके रख लिया है। अब हम लेंगे बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। इनको बारीक बारीक काट के रख लेना है। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें और धनिया भी मैंने काट के रख लिया है। चिकन मैंने आधा किलो लिया है और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बाद में इसको अच्छी तरह से शर्ट करके रख लेना है, मतलब बारीक बारीक रेशे कर लेने हैं इसके। और चिकन को बॉईल करते वक्त ये याद रखना है, आपने यखनी का 1 कप निकाल लेना है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, अदरक का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, नमक हसबे ज़ायका मैंने 1 टेबलस्पून लिया, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, एक अंडा लिया, इसको अच्छी तरह से फेंट के रख लिया, 1 कप यखनी, 1 कप ब्रेड क्रम्स, सिक्का लेना है 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, रेड चिली 2 टेबलस्पून। सबसे पहले चिकन को कढ़ाही में डाल लेना है। अब इसमें यखनी ऐड करनी है, जो हमने चिकन को बॉईल करते वक्त निकाल ली थी। अब हमने गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेना है। और इसको ढक देना है और इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएं। 5 मिनट पकाने के बाद ये देख सकते हैं सब्जियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, ऐड करेंगे अब सिरका, ऐड करेंगे अब सोया सॉस ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट भी सब्जियों में आ जाए। और 5 मिनट इसको ढक देंगे। तो जी व्यूवर्स, इसको इतना पकाना है कि इसमें पानी ना रहे। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, अभी हमने इसको मज़ीद और पकाना है ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, मैरिनेशन तैयार हो चुकी है और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। पोटैटो चिकन क्रिस्पी बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू जो मैश कर लिए थे और उसको हाथों की मदद से एक लेयर बना लेनी है। उसके अंदर ही हमने मैरिनेशन को फिर हमने डालना है। मैरिनेशन रखने के बाद इसको बंद करना है बहुत सॉफ्ट तरीके से। हमने इसको इस तरीके से बंद करना है और इसको राउंड शेप में बना लेना है ताकि मैरिनेशन फ्राई करते वक्त बाहर ना निकले। फ्राई करने से पहले हमने इसको अंडे में डिप करना है दोनों साइड से, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे दोनों साइड से अच्छी तरह। इसी तरीके से हमने इनको बना लेना है, ये देख सकते हैं।
हमने इनको राउंड शेप में बना लिए। अब ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेना है और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हमने इनको डीप फ्राई करना है। पहले वन साइड से ब्राउन कर लेना है, फिर दूसरी साइड से ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से अब ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।